all, welcome to my channel Para Info World. Today we will discuss next set of current affairs of January 2020, और ये वीडियो भी हम इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में देखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सब क्वेश्चंस एकदम रिसर्च करके लिए है, तो आप सब क्वेश्चंस को बारीकी से स्टडी कीजिए, आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट फर्स्ट ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन? किस देश ने हाल ही में दुनिया की सबसे तेज गति वाली पहली ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन शुरू की है? तो उसका आंसर है चाइना, बी इज़ द आंसर। तो इसके बारे में अभी देखते हैं। ये ट्रेन चीनी शहरों बीजिंग और झांगजीको के बीच चलेगी और आपात स्थिति के मामलों में एक निगरानी परिचर मतलब एक मॉनिटरिंग अटेंडेंट भी बोर्ड पर रहेगा, ये ट्रेन में रहेगा। और इस ट्रेन की गति है, स्पीड है 350 किलोमीटर घंटे पर आवर तक की, मतलब इसकी स्पीड जो है 350 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा तक हो सकती है। तो अभी चीन की बात कर आ रही है, तो चीन के राष्ट्रपति है, आपको शायद पता ही रहेगा, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और राजधानी है चीन की बीजिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टॉप्ड द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2019? निम्नलिखित में से कौन से राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में सबसे ऊपर है? तो इसमें ऑप्शंस दिए, हरियाणा, कर्नाटका, केरला और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, डी, मतलब ये जो हरियाणा, कर्नाटका और केरला, ये तीनों राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में सबसे ऊपर है, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में सबसे ऊपर है हरियाणा, कर्नाटका और केरला। तो ये क्या है देखते हैं, ये जो इंडेक्स है किसने जारी किया? तो ऊर्जा मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने, जो BEE है, उसने जारी किया है ये इंडेक्स। और ये इंडेक्स क्या करता है, ये इंडेक्स जो है, ये सूचकांक जो है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऊर्जा दक्षता मतलब एनर्जी एफिशिएंसी जो है, जे इसके इनिशिएटिव्स, इसकी पहल जो है कि प्रगति को ट्रैक करता है। तो ये उद्देश्य क्या है ये इंडेक्स का, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स को प्रगति को ट्रैक करता है। तो अब ये इंडेक्स में हमने सबसे टॉप पे देखे, अभी सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले हैं राज्य मणिपुर, जम्मू और काश्मीर, झारखंड और राजस्थान, ये सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले हैं। तो फ्रंट रनर अप ग्रुप में एक भी राज्य नहीं रहा है इस इंडेक्स के, एक ये मतलब स्पेशलिटी बोल सकते, खासियत रह सकती इस साल की, इसमें फ्रंट रनर अप ग्रुप एक भी नहीं रहा है। तो विच स्कीम इज लॉन्च रिसेंटली फॉर वुमन एंटरप्रेन्योरशिप? महिलाओं की उद्यमिता के लिए हाल ही में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो उसका आंसर है यशस्विनी, डी इज द आंसर। और ये योजना किसने शुरू किसकी है, तो गोवा सरकार की योजना है वुमन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए यशस्विनी योजना। और इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, उसको 5 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण और विशेषज्ञों से हैंड होल्डिंग का समर्थन करना है। तो मतलब 5 लाख रुपए तक लोन भी मिल सकता है और एक्सपर्ट्स का उनको मार्गदर्शन भी मिल सकता है इस योजना के तहत। और ये गोवा में महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूत करना है इसका उद्देश्य। और ये किसने लॉन्च किया है ये स्कीम, यशस्विनी स्कीम? तो स्मृति ईरानी, उन्होंने लॉन्च किया है। स्मृति ईरानी जी कौन है, तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री है भारत की। और ये कब लॉन्च हुआ, तो 11 जनवरी 2020 को ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। हुज नेम विल बी गिवन टू द जूलॉजिकल गार्डन इन UP? उत्तर प्रदेश के जूलॉजिकल गार्डन को किसका नाम दिया जाएगा? तो इसका आंसर है शाहिद अशफाक उल्लाह खान, ए इज़ द आंसर।
तो चलिए अभी इसके बारे में देखते हैं। ये जू जो है, ये चिड़ियाघर जो है, 121 एकड़ में 234 करोड़ रुपए में आने वाला है। और ये अशफाक उल्ला खान कौन है? तो ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं अशफाक उल्ला खान। उनको कोकोरी ट्रेन डकैती के लिए राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मौत की सज़ा सुनाई गई थी। तो कोकोरी ट्रेन डकैती जो जिसे आमतौर पर 1925 के काकोरी षड्यंत्र के रूप में माना जाता है, तो इसके लिए उनके मौत की सज़ा सुनाई गई थी राम प्रसाद बिस्मिल के साथ में। तो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एक्चुअली जनरल नॉलेज के हिसाब से, तो आप इसको ख्याल में रखिए। तो अभी यूपी की बात आई तो यूपी के मुख्यमंत्री है श्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और राजधानी है लखनऊ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल बुक ट्रस्ट? राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है युवराज मलिक, सी इज़ द आंसर। और नेशनल बुक ट्रस्ट क्या है? NBT। तो ये भारत सरकार जो है उच्च शिक्षा शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास विभाग की द्वारा स्थापित किया गया एक सर्वोच्च निकाय है। तो NBT क्या है? व्हाट इज NBT? इट इज़ एन अपेक्स बॉडी एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD। तो ऑब्जेक्टिव क्या है NBT का? उद्देश्य है अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अच्छे साहित्य के उत्पादन को प्रोत्साहित करना और इस तरह के साहित्य को मध्यम कीमतों पर, मतलब कम कीमतों पर जनता के लिए उपलब्ध कराना है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ NBT इज़ टू एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ गुड लिटरेचर इन वेरियस लैंग्वेजेस एंड टू मेक सच लिटरेचर अवेलेबल एट मॉडरेट प्राइसेस। तो NBT है, व्हाट इज़ NBT? NBT की स्थापना हुई थी 1957 में। NBT का मुख्यालय है नई दिल्ली और हाल ही में अध्यक्ष जो है गोविंद प्रसाद शर्मा जी है। थॉट्स ऑफ दिस वीडियो, डोंट बी अफ्रेड टू फेल, बी अफ्रेड नॉट टू ट्राई। मतलब हम लोग काफ़ी फेल हो जाएंगे इसकी उसके वो काफ़ी चिंता करते हैं, तो फेल होने की चिंता मत करो, लेकिन अगर फेल होने के डर की वजह से अगर ट्राई नहीं करते तो वो बराबर नहीं है। तो आपको अच्छे पॉजिटिव माइंड से ट्राई करते रहना है, ना कि फेल होने का डर मन में रखना है, ठीक है? विच नेशन वॉज नंबर वन इन शूटिंग इन 2019 इन द वर्ल्ड? विश्व में 2019 की शूटिंग में कौन सा देश नंबर एक पर था? इसका आंसर है इंडिया, भारत, ए इज द आंसर। और ये किसने रैंकिंग की है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF, इसकी रैंकिंग है 2019 की, जिसमें भारत नंबर वन पर है। तो भारत कुल 30 पदकों के साथ शीर्ष पर है और चीन जो है दूसरे स्थान पर है। तो अभी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF के बारे में देखते हैं। ISSF की स्थापना 1907 में हुई थी। अध्यक्ष है व्लादिमिर लिसिन, जो रूस के हैं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट है। और ISSF का मुख्यालय है म्यूनिच, जर्मनी में। हु वॉन पॉली उमिगर अवार्ड 2018-19 गिवन बाय BCCI? BCCI द्वारा दिया गया पॉली उमरीगर पुरस्कार 2018-19 के लिए किसने जीता? तो उसका आंसर है जसप्रीत बुमराह, सी इज़ द आंसर। जसप्रीत बुमराह इंडियन बॉलर है, क्रिकेट बॉलर। तो अभी BCCI की बात आई तो BCCI क्या है? द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है BCCI। और BCCI के स्थापना 1928 में हुई थी। वो BCCI के अध्यक्ष है श्री सौरव गांगुली, जो 39वें है, 39th अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट। और BCCI के करंट सचिव है श्री जय शाह। और BCCI का मुख्यालय है मुंबई में, हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में है। PM श्री नरेंद्र मोदी जी रिनेम्ड कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट
इट इज रीनेम्ड आफ्टर पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने कल कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल दिया। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर है श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ए इज़ द आंसर। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है? ये जनसंघ के फाउंडर रह चुके हैं, संस्थापक है जनसंघ, इन्होंने शुरू की थी। तो अभी ये कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है तो वेस्ट बंगाल में है, तो उसके बारे में देखते हैं। वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, राज्यपाल है श्री जगदीप धनखड़ और राजधानी है कोलकाता। और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के बारे में देखते हैं, अध्यक्ष है श्री विनीत कुमार और मुख्यालय है कोलकाता में। विच कंट्री हैज़ रिपोर्टेड द फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस डिसीज? कोरोना वायरस बीमारी के पहले मामले की रिपोर्ट किस देश ने की है? तो उसका आंसर है चाइना, डी इज़ द आंसर। तो इसके बारे में देखते हैं, कोरोना वायरस आमतौर पर श्वसन पथ को प्रभावित करते हैं और जिनमें मानव भी शामिल है, ये ह्यूमन को भी अफेक्ट करता है। और कहाँ पे अफेक्ट होता है? तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। और वे सामान्य सर्दी, निमोनिया और गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम ऐसे आरएस बोल सकते हैं से जुड़े हैं। तो कोरोना वायरस जुड़े हैं सामान्य सर्दी, कॉमन कोल्ड, निमोनिया एंड सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये कहाँ पे डिटेक्ट हुआ है? डिटेक्ट हुआ है वुहान सिटी चाइना की वुहान सिटी में डिटेक्ट हुआ है कोरोना वायरस या फिर कोरोना वायरस भी बोल सकते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज RBI's डेप्यूटी गवर्नर रिसेंटली? हाल ही में RBI की डेप्यूटी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है माइकल देवव्रत पात्रा, बी इज़ द आंसर। वीरल आचार्य जो थे उन्होंने रिजिग्नेशन दिया था, तो उनके जगह पे ये माइकल देवव्रत पात्रा नियुक्त हुए डिप्यूटी गवर्नर RBI के। तो ये कौन है माइकल पात्रा? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट रह चुके हैं और इन्होंने IIT मुंबई से PhD की पढ़ाई की है। तो RBI को कुल 4 डिप्यूटी गवर्नर्स हैं, उप गवर्नर 4 है, जिनके नाम है माइकल पात्रा, NS विश्वनाथन, BP कनुंगो और MK जैन। तो RBI के बारे में देखते हैं, RBI की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास, मुख्यालय है मुंबई में और स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। तो ये हर एक क्वेश्चन के रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन इसलिए लेता हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और जो कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी हेल्प करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड सर्कल में। और आपको कुछ भी अगर हम मुझसे बात करनी है तो कमेंट पे आप लिख सकते हैं। और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तो आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे नए नए वीडियो के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो की PDF चाहिए तो आप मुझे ईमेल लिख दीजिए, आपका ईमेल ID लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको ईमेल से आपको ये PDF कॉपी भेज दूंगा। और अगर आपको लेकिन PDF के पहले ज़रा हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, उसको लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और स्प्रेड कीजिए, सो दैट हमारे को भी थोड़ा एनकरेजमेंट मिलेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।